डियर स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एजुकेशन राजस्थान जयपुर वेलकम्स यू इन इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस फॉर द 12th स्टैंडर्ड। माई सेल्फ मुनीश चंद शर्मा, लेक्चरर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल पिलौची जयपुर। टूडेज अवर लेसन अ पोएम, अ लेक्चर अपॉन द शेडो। In former online classes, I have given an introduction of this poem, and today I will explain you some stanzas of this poem. First of all, there are some stanzas for explanation. I will read you these stanzas, and after that I will explain you in English and also in Hindi so that you can understand these very well. Stand still and I will read the stand still and I will read to thee a lecture love in love's philosophy. These 3 hours that we have spent walking here, 2 shadows went along with us, which we ourselves produced. But now the sun is just above our head, we do those shadows treat. And to wave clearness, all things are reduced, so we list. Our infant loves did grow, disguises did, and shadows glow from us and our cares. But now it is not so, that love has not attained the highest degree, which is still diligent, lest your other see. In these stanzas, poet John Donne is addressing the lady whom he loves. अर्थात इन पंक्तियों में कवि अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है। वो कहता है, he asks her to stand still quiet and listen to his lecture on the philosophy of love. वो कह रहा है कि वो एक शांति से खड़ी रहे और प्रेम का जो दर्शन है उसके ऊपर उसके लेक्चर को सुने। इसके साथ ही वह कहता है, एंड अपॉन द शेडोज प्रोड्यूस बाई बोथ ऑफ देम, और वो छाया जो उन दोनों के द्वारा निर्मित की गई है और उसका जो प्रेम के साथ में वह एक तुलनात्मक रूप से संबंध व्यक्त करता है, बताता है, उसके बारे में वह अपनी प्रेमिका से कहता है। The poet and his beloved have spent the hours together. कवि और उसकी प्रेमिका ने दोनों ने साथ साथ 3 घंटे गुजारे हैं। While walking they have produced 2 shadows, और इस दौरान जब वो टहले हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, उस समय उन्होंने 2 छायाओं को निर्मित किया है जो सूर्य के कारण उत्पन्न हुई। Which went along with them, और जो छाया उनके साथ साथ चली। Then the sun was over their head, और इसके बाद में जब सूरज सुबह के समय जो छाया उत्पन्न कर रहा था वो छाया उनके सामने चल रही थी, और छायाएं जो पहले प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी लंबी थी वो धीरे 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 छोटी होती गई, और अंत में जैसे ही सूरज उनके सिर के ऊपर आ जाता है, सिर के ऊपर चमकता है, दोपहर का समय होता है, उस समय वो छायाएं उनके पैरों के नीचे आ जाती हैं। तो वो कहता है कि दैट इज नाउ इट इज नून टाइम, क्योंकि ये दोपहर का समय है, एंड दे आर वॉकिंग ओवर दोज शैडो, और वह उन छायाओं के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उनके ऊपर चल रहे हैं। ये स्थिति जो थी प्रारंभिक स्थिति थी प्रेम की, और उसे उसने इन्फेंट लव का नाम दिया है, यानी प्रेम की शैशवावस्था है। उस शैशवावस्था होने के कारण
जब वो प्रेम जब तक मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं करता है तब तक वह प्रेम अस्थिर अवस्था में रहता है, और इस इन्फेंट लव जो है वो अधिकतर युवा लोगों के द्वारा किया जाता है, ऐसा कवि के द्वारा यहाँ पर इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। अब जैसे जैसे प्रेम आगे बढ़ता है, दोपहर का समय के बाद में जैसे ही शाम की तरफ समय जाता है, अर्थात आफ्टरनून होती है, उस समय ये छायाएं फिर वापस बढ़ने लगती हैं और वह प्रेम मैच्योर अवस्था को प्राप्त करने लगता है। एंड और जैसा क्या है, द यंग लव द लव ऑफ यंग पीपल हैज नाउ बिकम मैच्योर, वो अब मैच्योर हो गया है, परिपक्व हो गया है। देयर लव हैज नॉट येट अटेन्ड द हाइएस्ट डिग्री ऑल्दो इट इज नून टाइम, यद्यपि यह दोपहर का समय हो चुका है लेकिन उनके प्रेम ने अभी तक प्रेम के उच्चतर शिखर को प्राप्त नहीं किया है, प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। तो इसलिए कवि आगे कहता है कि ए चेंज हैज नाउ कम, एक परिवर्तन तो आ चुका है, एंड दे विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेंटेन देयर म्यूचुअल एंड परपेचुअल लव। और वो आगे कवि कहता है कि अभी उसको और उसकी प्रेमिका को इस प्रेम को पारस्परिक और सतत बनाए रखने के लिए, परपेचुअल बनाए रखने के लिए, अविरल अविचल बनाए रखने के लिए, स्थिर बनाए रखने के लिए अभी काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी, अर्थात उन्हें इंतज़ार करना होगा। जिस प्रकार शाम ढलती है और शाम की छायाएं फिर अंत में जा कर के धीरे धीरे बड़ी होती हुई और रात्रि के अंत में गुम हो जाती हैं, अर्थात प्रेम की उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार उनका प्रेम भी अपने उस उच्चतम स्तर को जब ही प्राप्त करेगा जब उनकी आत्मा एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाएंगी, अर्थात वो दोनों आत्माएं एक हो जाएंगी और इस प्रकार से वह अपने एक एटर्नल जो लव होता है, शाश्वत प्रेम जो होता है, उसे प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेंजा जो अभी आपको एक्सप्लेन किए गए हैं शायद तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। धन्यवाद।